महंगा डबल मर्डर घटना आज सरुची कोर्ट का कंट 29 सुधा रिपोर्ट दाखल पुलिस को निर्देश देते कोर्ट सालेपुर जेएमएफसी अदालत नवेम्बर 29 सुधा अप टू डेट केस डायरी सहित तदंतर स्थानीय स्थिति संपर्क में तथ्य दाखल महंगा थाना आईआईसी को निर्देश देते पूर्व निर्देश अनुसार मोबाइल फोन तथ्य संग्रह और संरक्षण तुरंत पदक्षेप तदंतकारी अधिकारी को अदालत आदेश देते महंगा डबल मर्डर घटना रे 13 नंबर मुदाला थिबा आईन पंचायतीराज और नगर उन्नयन विभाग मंत्री प्रताप जेना तांका पीए बापी विश्वाल आउ तांकर राइट हैंड शरत नायक को सुरक्षा देवा पई पुलिस बाहर थिबार अभियोग होइछे। कोर्ट को निर्देश सत्वे काहीं के समय गड़ाई चली पुलिस यह प्रश्न करते मृत कुलमणि बराड़ों पु रमाकांत बराड़ रोशन रथम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना रोशन कोर्ट का कंट आज पुरुषी से ही अनुसार पुलिस प्रस्तुत जे अप टू डेट केस डायरी दाखल करने ना पुलिस आज मध्य किसी आल देखे यहाँ पुणी गड़ाइवाई चेष्टा कर देखो तो पूर्व निश्चित भाव में आज कंट पुरुची एवं कोर्ट जो निर्देश देते मान्यवर अदालत जे 29 तारीख दिन पूरा केस्र अप टू डेट जो पर्यंत इन्वेस्टिगेशन होते तदंत तार रिपोर्ट सबमिट करने सहित जो तीन जन मुख्यतः आम जदि देखा मंत्री प्रताप जेनांकर पीए बापी विश्वाल एवं महांगा ब्लॉक चेयरमैन जी अच्छा शरत नायक सहित प्रफुल्ल विश्वाल जी महांगा डबल मर्डर केस घटनार मुख्य अभियुक्त था ये तीन जनकर मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने कोर्ट निर्देश दिए पूर्व आपड़ जानते हैं नवंबर 18 तारीख में कोर्ट यही निर्देश दे जे नवंबर 25 तारीख सुधा सीडीआर रिपोर्ट को कोर्ट का पाखे पुलिस दाखल करू महांगा आईआईसी दाखल करूँ बोली किंतु क्योंठी ना क्योंठी पुलिस अन्य आल देखाई अन्य मामला गुड़िकर तदन चली आल देखाई से ही समय सठिक समय कोर्ट में दाखल कर पारे जहाँ को नहीं कोर्ट विरक्ति प्रकाश करते पुलिस तदंत नहीं प्रश्न उठाते पुणि थे समय देते आज 29 तारिख दिन कोर्टे जो सीडीआर रिपोर्ट सहित पूरा ये घटनार मामलार केते दूर तद अप टू डेट रिपोर्ट दाखल करने निर्देश देते पूरा घटना आम जदि देखा देखू गत वर्ष जनवरी मसने चलित वर्ष आम जदि देखा जनवरी मसने यही हत्याकांडी घटाला और बर्तमान पखापाखि नवेम्बर मस सरी अर्थात पखापाखि गोटे वर्ष पूरब आ किद पर कितु ये घटना आप देखु घटनार सत्यासत्य बर्तमान पर्यंत सामनाक आसीपारा ना कारण अगस्ट 16 तारिख में जो प्रोटेस्ट पिटन जी कुलमणि बराल जहां हत्या करता पुत्र रमाकांत बराल जो दाखल करते जे पुलिस ठीक भाव में तदंत करनी क्यों परिस्थिति रे पुलिस जेहेतु 13 नंबर मुदाला हिसाब से मंत्री प्रताप जेना ना रही पुलिस क्यों भली भाव में तदंत करी तांको ना को चार्जशीट रु काटी बोली प्रश्न उठाई तापर अगस्ट 25 तारिख में पुलिस पुलिस तदंत को नहीं प्रश्न उठाला जितेबाला कोर्ट पुनः तदंत करने निर्देश देते तेणु पूरा घटना आप देखू क्योंठी ना क्योंठी पुलिस चापवर्ती तदंत कला भाई मन हो कोर्ट को छाट क्योंठी ना क्योंठी पुलिस तदंत को नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि करेणु आज जितेबले कोर्ट कर जो निर्देश देते आज सुधा दाखल करने आज शेष दिन रही आज अपेक्षा रे बास्तव में महांगा पुलिस कौन सीडीआर रिपोर्ट दाखल करोन विशेषकर आम जदि देखा जेहेतु बापी विश्वाल मंत्री प्रताप जेना पीए रही प्रफुल्ल विश्वाल जी पूर्व 2018 मसीह गोटे हत्याकांड घटा जार मुख्य अभियुक्त थे और मंत्री प्रताप जेना सहित एवं बापी विश्वाल सहित रेगुलार कंटाक्ट रही आभोग होता जी वर्तमान शरत नायक जी महांगा ब्लॉक चेयरमैन अच्छा ये तीन जनकर कनेक्शन कौन रोच मंत्री प्रताप जेना सहित कथा होना नहीं जो दिन घटना घटी हत्याकांड दिन घटना घटी से ही दिन तादिन एम जदि कल रेकर्ड और सीडीआर रिपोर्ट दाखल करती कोर्टे गोटे प्रकार स्पष्ट हो कि कनेक्शन अच्छी ना नहीं मृत्यु हत्याकांड पछरे मंत्री प्रताप जेना हाथ अच्छी ना okay. किंतु पुलिस जो भाव में आल देख विलंब करुच्ची तदंत विलंब कोर्ट रे जो सीडीआर रिपोर्ट दाखल करने कथा से विलंब करोट आज पुरुवा बेले पुलिस प्रकृत सीडीआर आज दाखल करू डेट केस डायरी तापर वर्तमान समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रथम प्रतिनिधि पूरा अपडेट देते हैं।